नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपशिका। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। जहां देश के कई हिस्सों में तेज बारिश ने तबाही मचा दी है, कई जगहों पर तो पानी इतना भर गया है कि बाढ़ जैसे हालत हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे लगातार बारिश हुई, जिसमें करीब 9 लोगों की जान चली गई। इस मामले में रविवार को राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने जानकारी दी। राज्य की कई नदियां खतरनाक स्तर को पार कर चुकी हैं। उल्हास, सावित्री, पाताल गंगा, अंबा और गड़ी नदियों का जल स्तर चेतावनी स्तर से थोड़ा नीचे है। महाराष्ट्र में बारिश के कारण 838 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं लगभग 4916 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग और पुनर्वास विभाग द्वारा 35 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिनमें लोगों को रहने और खाने की पूरी व्यवस्था की गई है। अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम आए सैलाब के बाद से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन मायूसी में गुजरा। वहीं रेस्क्यू दलों ने मलबा, पानी, बर्फ से लेकर नालों को छान मारा, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लगा। इतने लंबे समय तक बर्फीले पानी में या फिर मलबे में फंसे होने पर किसी के जिंदा बचने की संभावना कम होती जा रही है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि सेना के अत्याधुनिक उपकरणों और भारी मशीनों को भी खोज अभियान में लगाया गया है। डॉग स्क्वाड जहां भी संकेत दे रहा है, वहां खोदाई की जा रही है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, लापता लोगों को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं। सैलाब में जिस तरह से मलबा आया है, उसमें फंसने वाले इतने वक्त तक बचना बेहद मुश्किल हो सकता है। कोई जीवित बचता है तो ये सिर्फ करिश्मा ही हो सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी पहुंचे, जहां उन्होंने बुधनी नगर परिषद के होने वाले चुनाव के लिए भाजपा पार्षद प्रत्याशियों के लिए रोड शो किया और विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि बुधनी में नर्मदा मैया को साफ और शुद्ध रखने के लिए एक जल ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। साथ ही शौचालय आदि से निकलने वाले गंदे पानी का शुद्धिकरण कर अन्य पानी उपयोग में लाया जाएगा और उस गंदे पानी को नर्मदा मैया में जाने नहीं दिया जाएगा, जिससे नर्मदा का जल साफ और स्वच्छ रह सके। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने सरकार की अनेकों योजनाएं गिनाई और जनता से भाजपा प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। नरेंद्र मोदी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी योजना है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना है, उनका लाभ ठीक से मिले नगरों में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग जिताए, आम जनता जिताए, जनता जनार्दन जिताए। ये पार्टी से अपनी बुधनी ऐसा शहर है जिसको हमने हर घर को शुद्ध पेयजल से जोड़ने का अभियान चलाया है। अपने बुधनी में UIDSSM की योजना से लगा के हमने अनेकों योजनाओं के तहत न केवल पीने के पानी की व्यवस्था की है, यहाँ सड़कों का निर्माण एक पृथ्वी बुधनी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 45 करोड़ 42 लाख रुपए के काम और बुधनी में अलग अलग सड़कें, नाली, पुल, पुलिया, जितनी बुनियादी सुविधाएं हैं वो बनाने के लिए हमारा काम चल रहा है। मतलब शौचालय का, टॉयलेट का पानी पाइपलाइनों के जरिए ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा और उस पानी को शुद्ध करके बाग बगीचों में दे देंगे, नर्मदा जी में गंदा पानी नहीं जाएगा। रायपुर में मुसीबत में फंसे लोगों को सही समय पर मदद पहुंचाने के लिए स्मार्ट सिटी रायपुर के 20 चौक चौराहों पर 3 साल पहले पैनिक बटन लगाए गए थे, जो कि पुलिस विभाग के लिए सरदर्द बन गया है। छोटे बच्चे और असामाजिक तत्व मस्ती मजाक के लिए बेवजह पैनिक बटन दबाकर पुलिस की परेशानी बढ़ा रहे हैं। वहीं नगरवासियों का कहना है कि उन्हें इस सुविधा के बारे में अभी तक पता चला है। अभी 2-3 दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि बहुत अच्छी चीज़ पैनिक बटन लगाया गया है, ताकि रात को कोई सुविधा ना होती तो बटन दबा के पुलिस को सूचित किया जाए। इससे हमारे लिए सुविधा है, इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। हर चौक चौराहे में लगा हुआ है, यातायात पुलिस का निगरानी में है ये और पब्लिक के लिए बहुत सुविधाजनक है।
इसको अगर आपको कुछ भी चौक में या आसपास कुछ भी ऐसी घटनाएं हो, कुछ भी ऐसी समस्या हो, तो आप वहाँ उस बटन को दबा के और उसमें आप अपनी बात को रख सकते हैं, ताकि स्मार्ट सिटी के द्वारा रायपुर के विभिन्न चौक चौराहों में ECB बॉक्स, इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाया गया है, जिसमें आम नागरिक यदि किसी को पुलिस की जरूरत है, फायर ब्रिगेड की जरूरत है, एम्बुलेंस की जरूरत है, कोई भी मदद की आवश्यकता है, तो पैनिक बटन दबा के अपनी आवश्यकता अपने तेज तर्रार बयान को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मंत्री विधायक अजय चंद्राकर ने उद्योग मंत्री कवासी लखमा को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी। उनके इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। CM ने कहा कि विधायक अजय चंद्राकर पार्टी के वरिष्ठ राजनेता हैं, पता नहीं उनको बीच बीच में क्या हो जाता है जो वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वरिष्ठ नेता हैं, इस तरह के बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। सुनिए, बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं अजय चंद्राकर जी, लेकिन बीच बीच में पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के आइटम गर्ल वाले बयान पर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्व होती दिख रही है। आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने चंद्राकर के बयान को आदिवासी समाज का अपमान बताया है। उन्होंने इस बयान के लिए अजय चंद्राकर को माफी मांगने को कहा है। मंत्री कवासी ने कहा कि अजय चंद्राकर ने उनके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है, उससे वह उनका ही नहीं बल्कि बस्तर के आदिवासी समाज का भी अपमान कर रहे हैं। उनकी भावना और आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। चंद्राकर का बयान आने के बाद उनको बस्तर के तमाम समाज प्रमुखों का फोन आ रहा है। लोग इसे अपमानजनक बताकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कवासी लखमा ने कहा कि अपने इस बयान के लिए अजय चंद्राकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदिवासी समाज सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। समाज अजय चंद्राकर को बस्तर में घुसने नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ इसके पलटवार में भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि विधायक अजय चंद्राकर का बयान एक व्यंग्यात्मक बयान है। व्यंग्यात्मक रूप से जो कही जाती है वह उसका ये एक अंश है। इसमें कोई कहने का कोई तात्पर्य नहीं है और राजनीतिक क्षेत्र में लोगों को समझने की आवश्यकता है। विधायक अजय चंद्राकर जी का जो बयान है, एक व्यंग्यात्मक बयान जो राजनीति में व्यंग्यात्मक रूप से जो चीज़ें कही जाती हैं वो उसका एक अंश है। इसमें कहीं कोई कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि उनको उन शब्दों से ही नवाजा गया है। तो मुझे लगता है ये एक राजनीति के क्षेत्र में लोगों को समझने की आवश्यकता है। ऐसा है, मैं उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वो कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ निषाद कैंवर समाज के नवनिर्वाचित पद अधिकारियों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। समारोह में उन्होंने कहा कि प्रदेश की मछुआ नीति को कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मछुआ नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, साथ ही समाज के लोगों के हित में राज्य सरकार में नीति बनाई जाती है, लेकिन इसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने का दायित्व समाज का है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। इस नीति के तहत मछली पालन करने वाले लोगों को किसानों के जैसा बिना ब्याज का ऋण तथा बिजली शुल्क में छूट दी जा रही है। इन प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए समाज के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में सामने आना चाहिए। उन्होंने संसदीय सचिव और निषाद कैंवर समाज के नव निर्वाचित अध्यक्ष कुंवर सिंह निषाद के आग्रह पर निषाद कैंवर समाज के भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति की घोषणा की। अब तो बायो प्लांट आ गए, टंकी बरबर रहे बायो प्लांट और मछली डाल दे तो व्यवस्था होगी, मछली उत्पादन होते। आजकल बड़े बड़े बांध में केज बना के महिला समूह केज बना कर रहे थे, केज बना के तुम उत्पादन करे स्कूलों को थे। अभी सब जगह केज लगे कावर, तुम केज नहीं लगा, केज भी जल्दी मछली तैयार हो थे। समूह बनाओ, फाइनेंस कराओ, केज लगाओ, मछली पालन करो, जल्दी तैयार हो।
खबर बीजापुर से है, जहां चावल से भरा ट्रक बाढ़ के पानी में बह गया। बताया जा रहा है कि जलमग्न नाले को पार करते वक्त तकनीकी खराबी के कारण ट्रक का इंजन बंद हो गया था। घटना के दौरान ट्रक को नाले में छोड़कर चालक सुरक्षित बाहर निकला। वहीं घटना की सूचना मिलते ही SDM और तहसीलदार, खाद्य विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। ATM बदलकर ठगी करने वाले चार शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि झारखंड और बिहार के 100 से ज्यादा ठगी की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में थी, जिसके बाद पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिल गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक दर्जन ATM कार्ड, 7 लाख रुपए नकद और कारतूस के साथ हथियार बरामद किए हैं। ATM स्वैप के मामले में एक अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। फरवरी माह से लगभग 8 ऐसे वारदातें सरगुजा में हुई थी, जहां पे ATM स्वैप करके जो है विक्टिम्स का पैसा हरा गया था। इसमें 16 लोगों की एक संयुक्त टीम बनाई गई थी। फाइनली इसमें 4 लोगों को ही गिरफ्तारी की गई है टीम के द्वारा। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां UKG के छात्र का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि छात्र का शव यूपी के गंग नहर में मिला है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों पुलिस पर लापरवाही और आरोपियों से साठ गांठ करने का आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस चौकी के बाहर जाम लगा दिया। वहीं SSP श्लोक कुमार का कहना है कि इस खुलासे के लिए SP देहात के नेतृत्व में 6 टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही खुलासा कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रात में सूचना मिली थी, परिवारजनों द्वारा ये बताया गया है कि और भी खोजबीन की जा सकती थी, यद्यपि हमारी सर्च टीम लगी हुई थी। इस संबंध में भी इसकी जा रहे शाम को मैंने जांच के लिए बताया है, यदि पुलिस कर्मी ने लापरवाही करी होगी तो उसके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। और अभी हमारा मुख्य उद्देश्य यह है घटना का अनावरण हो जल्द से जल्द, और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई। मैनपुरी शहर कोतवाली क्षेत्र के हरिदर्शन नगर में रामशरण वर्मा के मकान का निर्माण चल रहा था। उसी समय निर्माणाधीन मकान का छज्जा भर भरा कर अचानक गिर गया, जिसमें दबकर मौके पर काम कर रहे नगला मंगली निवासी राज मिस्त्री जोगराज की मौत हो गई, तो वहीं शहर कोतवाली के ललूपुर निवासी अभिनंदन भी घायल हो गए। आनन फानन में दोनों को मैनपुरी जिला चिकित्सालय लाया गया, वहीं जहां चिकित्सकों ने जोगराज को मृत घोषित कर दिया, जबकि अभिनंदन का इलाज जारी है। रायपुर में प्रेमी की मौत से दुखी एक प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि गांधीनगर में रहने वाली युवती के प्रेमी की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद से युवती सदमे में थी। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक युवती ने मरीन ड्राइव में छलांग लगा दी, जिसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवती को निकाला और इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 11:30 बजे के आसपास एक युवती जो है वो टूट गई थी, जिसको पब्लिक और पुलिस की मदद से निकाल के अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतिका का नाम संध्या छत्री, उम्र तकरीबन 17 साल है, जो कि गांधीनगर शक्ति नगर सिविल लाइन थाना क्षेत्रांतर की निवासी है, और उनके परिजनों के रिपोर्ट पेपर कायम करके जाँच में ये। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के विवादित बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। अंतागढ़ विधायक अनूप नाग ने कहा कि बीजेपी नेता अजय चंद्राकर पूरे आदिवासी समाज और मंत्री कवासी लखमा से माफी मांगे, अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो आदिवासी समाज आंदोलन करेगी और अजय चंद्राकर को बस्तर में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसे लेकर हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने खास बातचीत की, सुनिए। चंद्राकर के बयान को लेकर आप लोग आक्रोशित हैं, आगे क्या आप लोग की तैयारी होगी? इतना वरिष्ठ सम्माननीय भूतपूर्व विधायक भूतपूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के द्वारा हमारे वरिष्ठ उद्योग मंत्री माननीय लखमा जी के खिलाफ जो टिप्पणी किए हैं, आइटम गर्ल शब्द, वो किसी भी हालत में उसकी ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। माननीय लखमा जी
लंबे अरसे से पूरे आदिवासी समाज के लिए सुबह से शाम तक लड़ने वाला हमारा आदिवासी नेता, और उसके खिलाफ अगर कोई सम्माननीय सदस्य जिन्हें हम बड़े आदर भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा ऐसे टिप्पणी करना, हमारे समाज इस बात को लेकर बहुत आक्रोशित है, बहुत आक्रोशित है। ये थे अंतागढ़ विधायक अनूप नाग। इन्होंने जैसे बताया कि अजय चंद्राकर जो पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ विवादित बयान दिया है। उसके खिलाफ में पूरे आदिवासी समाज जो है आक्रोशित हैं और एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी पे हैं। और इन्होंने मांग किया है कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर वो माफ़ी मांगे, माफी नहीं मांगी तो आदिवासी समाज बड़े आंदोलन करने की तैयारी में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय पर जनजातीय सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों के जर्जर छात्रावास, आश्रम और स्कूलों के भवनों की मरम्मत प्राथमिकता से करवाने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण 2 साल बाद स्कूल, छात्रावास और आश्रम खुले हैं, इसके लिए जहाँ मरम्मत की जरूरत है वहाँ मरम्मत का काम तत्परता से करवाया जाए। आज छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद बना हुआ है, जो आदिवासी क्षेत्र में जो भी कानून बनते हैं तो उसमें जनजाति परिषद का अनुमोदन आवश्यक होता है, और इसलिए आज जो बैठक दी गई थी उस बैठक में जो क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उसकी भी समीक्षा की गई। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा बिलासपुर हवाई सेवा जन संघर्ष समिति के आंदोलन में शिरकत करने बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में हवाई सुविधाओं का विस्तार करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि ना कि जमीन लेने के मुद्दे को लेकर वो जल्द रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे, साथ ही नाइट लैंडिंग और एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने जैसे मुद्दे बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, इसे हम देर सवेर जरूर हासिल करेंगे। गवर्नमेंट के प्रोसेसेस बहुत स्लो होते हैं, हमको प्रोसेसेस को जल्दी करना पड़ेगा। आर्मी को आपने ज़मीन दी थी, आर्मी के यहाँ एक यूनिट आने वाली थी, अब वो यूनिट नहीं आ रही, तो ज़मीन तो अब आर्मी की यूज़ की है नहीं। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो खुद भी कैंसिल कर सकती है, बट आर्मी है इसके समान तौर से वो नहीं कर रहे हैं। हम लोग राजनाथ सिंह से मिल सकते। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि जिले में हो रहे एसपी बदलावों को लेकर कहा कि जिलों में एसपी जरूर बदल रहे हैं, लेकिन हालत जस के तस हैं। हर तरह अपराध और वारदातें बढ़ रही हैं। प्रदेश में ऐसा कोई दिन नहीं है जब हत्या और लूट की घटनाएं ना होती हों। पहले छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश था, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से प्रदेश अशांत हो गया है। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि 15 से 20 साल के रमन सरकार के राज्य में छत्तीसगढ़ में भूमाफिया और गोरख धंधा करने वाले बढ़ गए थे, जिन्हें साफ करने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। हमारा छोटा सा छत्तीसगढ़ शांति का टापू कांग्रेस की जब से सरकार छत्तीसगढ़ में आई है तब से अपराधगढ़ में वो बदल गया, और आज अपराधगढ़ के नाम से अब छत्तीसगढ़ को जाना जा रहा है। जिस प्रकार से पंजाब के लिए कहा जाता था उड़ता पंजाब है, उससे बदतर स्थिति में छत्तीसगढ़ की स्थिति है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को भूल जाती है कि 15 साल इस प्रदेश में अगर किसी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार थी, और जिस प्रकार से उस समय भूमाफियाओं का अलग अलग गोरख धंधा करने वाले लोगों का जो माफिया बना, जो गिरोह बना, और उसी को साफ करने का काम। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों ने राज्य सरकार से 34% डीए की मांग की है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि राज्य सरकार ने जो वादा किया था उसे निभाने का समय आ गया है, अब राज्य सरकार वादा खिलाफी ना करे। इस पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि शासकीय कर्मचारियों की मांग को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष पहले ये बताएं कि जो 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था उसका क्या हुआ। लगातार वो लोग डीए के मांग कर रहे हैं, और केंद्र सरकार के हम बात करें तो केंद्र सरकार का 34% और राज्य सरकार 17%,
कई मामलों में ये केंद्र सरकार की बात करते हैं कि हम उससे अच्छा कर रहे हैं, उससे अच्छा चला रहे हैं, लेकिन 20% डीए तक अभी नहीं पहुंची है छत्तीसगढ़ में। मोदी निर्मित महंगाई से देश का हर वर्ग परेशान है। शासकीय कर्मचारी हो, किसान, मजदूर, महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, गृहिणी हो, छोटे व्यापार करने वाले लोग हो, रिक्शा चालक हो, सभी महंगाई से परेशान होता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की बैठक हुई, जिसमें 25 से 29 जुलाई तक कलमबंद हड़ताल करने का फैसला किया है। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि हमारी मांग है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी केंद्र की तरह महंगाई भत्ता में वृद्धि करें। आपको बता दें कि फिलहाल शासकीय कर्मचारियों को राज्य सरकार 17% तो वहीं केंद्र से 34% डीए मिलता है। प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी का पुष्पहार को चुगुच्छ से स्वागत करते हुए 25 जुलाई से 29 जुलाई तक अनिश्चितकालीन आंदोलन, जो 9 दिन तक कार्यालय शाला बंद रहने के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन के लिए आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की रायपुर संभाग की बैठक कमल वर्मा जी के नेतृत्व में हो रही। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के स्कूलों में शनिवार को बैगलेस डे करने का फैसला किया है। बैगलेस डे में बच्चे बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे और इस दिन बच्चों को योग, व्यायाम, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां कराई जाएंगी। वहीं स्कूली बच्चे हर शनिवार को अब खेल में पढ़ाई करेंगे, ताकि स्कूली शिक्षा को रोचक, व्यवहारिक और अपने आसपास के माहौल से जोड़ने लायक बनाया जा सके। रहित बच्चे वहाँ पे जाएंगे, एक प्रतियोगिता हम लोग छत्तीसगढ़ में करेंगे उन बच्चों के लिए स्कूलों में, ताकि गेड़ी का भी गेड़ी दौड़ हो सके, गेड़ी से और कुछ हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, तमाम चीज़ें, तो वो जो हमारी सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं वो उसके स्कूल के माध्यम से हम संचालित करना चाहते हैं। बिलासपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपने ही पुत्र की हत्या कर दी है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सेलर ग्राम में पत्नी के मायके जाने पर मौका पाकर पिता ने अपने 4 वर्षीय पुत्र का गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी, जिसमें उन्हें पता चला कि पुत्र की हत्या पिता ने ही की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमकेएन न्यूज़। नमस्कार।